दैवत सादरे समने कलेसो मुदमंगलमय संत समाजो मुदमंगलमय संत समाजो जब जीवन में होती है वो भी पूजपाद श्री आनंद पीठाधीश्वर जी महाराज जैसे महापुरुष जिनका सारा जीवन समाज के कल्याण में समर्पित है, जीव मात्र का कल्याण कैसे हो इसकी चिंता साधु करता है, अपना कल्याण कैसे हो इसकी चिंता संसारी करता है, अपना कल्याण कैसे हो इसकी चिंता संसारी करता है, पर जीव मात्र का कल्याण कैसे हो इसकी चिंता संत करते हैं। ऐसे महापुरुषों के पावन चरणों में वंदन करते हुए आए श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा का हम सभी लोग लाभ लें। आज प्रथम दिवस है, प्रथम श्लोक का एक बार मैं उच्चारण करूंगा, दोबारा आप रिपीट करें। लास्ट दिन 16 तारीख को श्रीमद् भागवत के अंतिम श्लोक का उच्चारण होगा ताकि भागवत के पाठ का लाभ भी आपको प्राप्त हो। महापुरुष ऐसा कहते हैं कि यदि हम हाथ में माला लिए हैं और माला जपते जपते सो गए, हाथ में माला है जपते जपते सो गए, जितने घंटे तक नींद आएगी उतने घंटे तक आपका भजन काउंटिंग होगा। किसी ग्रंथ को आप स्वाध्याय कर रहे थे और पढ़ते पढ़ते सो गए। कई बार होता है ग्रंथ पास में है और नींद इतनी प्रबल हो जाती है, विद्यार्थी जीवन बड़ा विलक्षण होता है और महाराज माथा सीधे माथा जो है ग्रंथ में रख जाता है सच्चिदानंद रूप। मंगलाचरण के इस पावन क्रम में ग्रंथ की गरिमा का महिमा का और मधुरिमा का बखान करते हुए ग्रंथकार कह रहे हैं सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशायो श्री कृष्णायो वयम नमः। ग्रंथ के प्रारंभ में, ग्रंथ के मध्य में और ग्रंथ के अंत में यदि मंगलाचरण हो तो उस ग्रंथ का दर्शन मात्र से जीव का कल्याण होता है, ऐसा शास्त्रकार कहते हैं। आदि मध्यावसानेषु यस्य ग्रंथस्य मंगलम्, प्रारंभ में मध्य में और अंत में श्रीमद् भागवत ऐसा ग्रंथ है जिसके प्रारंभ में मंगलाचरण, मध्य में मंगलाचरण और अंत में मंगलाचरण। ये मंगलाचरण है क्या?
मंगल है चरण जिनके और मंगल है आचरण जिनका, उनको स्मरण करना ही मंगलाचरण है। इस भागवत के महिमा के क्रम में मंगलाचरण में बड़ा अद्भुत अलौकिक बात कही गई। देखो, किसी भी व्यक्ति का परिचय उसके स्वरूप से, उसके प्रभाव से और उसके स्वभाव से जाना जाता है। स्वरूप, स्वभाव और प्रभाव। पर हमारा जीव का जो स्वरूप है उससे किसी का कल्याण संभव नहीं है। जीव के प्रभाव से किसी का कल्याण संभव नहीं है। परंतु परमात्मा ऐसे हैं जिनका स्वरूप भी कल्याणकारी है, जिनका प्रभाव भी कल्याणकारी है और जिनका स्वभाव भी कल्याणकारी है। कैसा स्वरूप है? बोले, सच्चिदानंद रूपायो सतचित आनंदमय है परमात्मा। और जीव का जो स्वरूप है वो पंचभौतिक है, चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीर। ये पांचों प्रकृति हैं और प्रकृति का काम है घटना और बढ़ना। इसलिए बचपन, जवानी और बुढ़ापा, दिन में यदि आप 10 बार कैमरे के आगे फोटो खिंचवाओ तो 10 बार अंतर आएगा। क्योंकि प्रकृति का काम है घटना और बढ़ना। परंतु परमात्मा का जो स्वरूप है, सदियां बीत गई, आज भी उन खोड़स वर्ष की अवस्था नजर आती है। राम जी इस धरा में 11,000 वर्ष पर्यंत राज किए, पर रघुनाथ जी कभी बूढ़े नहीं हुए, दाढ़ी मूछ नहीं आई। भगवान श्याम सुंदर के कभी दाढ़ी मूछ नहीं आई, क्योंकि भगवान के स्वरूप में, हमारे स्वरूप में रात दिन का अंतर है। मंगलाचरण में, भागवत के शुभारंभ में ये इसलिए जीव को समझाया जा रहा है कि ताकि जीव परमात्मा के साथ अपने आप को तौले ना। यहां सामान्य जीव की बात हो रही है, पर जब भगवान से पूछा गया तो भगवान ने नवधा भक्ति के क्रम में सबरी से कहते हैं, सातम सम मोहि मैं जग दे सिया राम में सब जग जानी।
परमात्मा में ये जगत है, भगवान में समझकर सबको प्रणाम करना ये सामान्य बात है, परंतु उसमें साधु को नहीं गिनना कि उसी सीए राम में एक लाठी से साधु को भी आग दो। सीए राम में इसलिए वहां नवदा भक्ति में कह रहे मोते अधिक संत कर ले खा, मोते अधिक संत कर ले खा, खुद आके खुदा मिल जाए भले, पर ये बंदे खुदा के मिलेंगे नहीं। राम का मिलना सहज है पर संत का मिलना दूर, पलटू संत मिले बिना राम न पाइए को, ते अधिक संत कर ले भगवान का जो स्वरूप है वो सच्चिदानंद है, सच्चित आनंद से निर्मित है, इसलिए वो कभी बूढ़े नहीं होते। सत कहिए, कबीरदास जी की भाषा में, सत कहिए जो बिन से नाही, चित चेतन सकल घट माही, आनंद घट घट करे आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंद। सत्य का कभी ह्रास नहीं होता, सत्ता सत्य की है, झूठ की कोई सत्ता नहीं होती। वो तो सत्य की ओट में, सत्य की छाया में झूठ को लोग लपेट लेते हैं, सत्य को झूठ के आवरण में ढक करके कहते हैं ये सत्ता हमारी है। नहीं नहीं, सत्ता तो सत्य की ही है, सत्ता सत्य की है, और सत्य की सत्ता है तो वो अस्थाई है, क्योंकि सत्य का रागी कभी बागी नहीं होता, सिंधु का मोती कभी आगी नहीं होता। सत्य भागना नहीं सिखाता, सत्य जागना सिखाता। झूठ भागना सिखाएगा, यहां से कुछ गड़बड़ किया तो वहां चलो, वहां से गड़बड़ किया वहां चलो, वहां से गड़बड़ किया, भागना सिखाता झूठ। असत्य भागना सिखाता है, भागो, पर संसार में भाग के आज तक कोई बचा ही नहीं, कहां भागोगे। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, कहां भागोगे। संसार से यदि बचना है तो भाग के नहीं बच सकते हो, जाग के बच सकते हो, और जागने के लिए सत्य का आश्रय लेना पड़ेगा। महादेव तो बड़ी अद्भुत बात कहते हैं रामचरितमानस में, पार्वती देही जाने जग जाए घरा, जिसको जानने मात्र से जगत खो जाता है, और जिसको न जाने हुए जगत का हो जाता है। पर देखो दुर्भाग्य क्या है, हमने सब कुछ जान लिया जन्म से लेके, जानी मैंने जननी जनक भाई बहन जाना,
आना जाना जाना और खाना पीना जाना है। शत्रु जाना, मित्र जाना, अपना पराया जाना, कुटुंब कबीला सब धीरे धीरे जाना। अकड़ जाना, मुकर जाना, लड़ना जो झगड़ जाना, राजा रंग जाना जो की संपत्ति के खजाना है। सब कुछ जाना पर कुछ भी न जाना है, उसी को न जाना जिसके पास जाना। जही जाने जग जाए हैरान। संसार कहता संसार को छोड़ो, जगत को छोड़ो, नहीं छोड़ पाओगे महाराज। जानना है, कैसे जानोगे? योग के द्वारा, समाधि के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, भजन के द्वारा, पुराण के द्वारा, उपनिषद के द्वारा, वेद के द्वारा, वो भी नहीं जान पाए। सार जसुत से सार से असे सा जा कहूं को नहीं जाना। सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नीति नीति कही जा सुगुण कर ही निरंतर का। जब कोई नहीं जान पाया तो फिर हम कैसे जान पाएंगे? बड़ी अद्भुत बात वाल्मीकि जी ने कही। जब रामचरितमानस में रघुनाथ जी वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचे, वहां बड़ी अच्छी बात कही। यद्यपि जग पेखन तुम देखन हारे, बिर हरि शंभु न चावन हारे, पर ते न जाने मरम तुम्हारा और तुम ही को जान निहार। वो भी आपको नहीं समझ सकते तो कौन समझ सकता है? परंतु मुझे पता चल गया, साधन के द्वारा, साधना के द्वारा कोई आज तक आपको नहीं जान पाया, क्योंकि आपने किसी को अपना एड्रेस नहीं बताया। रियल में परमात्मा कहां है किसी को नहीं बताया। जब नारद जी ने पूछा आप कहां रहते हैं, तो भगवान ने कहा ना हम बसामि बैकुंठे कैंसिल, योगी नाम हृदयेन च कैंसिल, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। ये एड्रेस बता दिया। थोड़ी देर बाद गरुण जी गरुण पुराण में पूछ रहे हैं कि नाथ कभी साकेत में, कभी गोलोक में, कभी कहां भटकाते रहते, कोई एक ओरिजिनल एड्रेस कोई है आपका? ये तो ऑफिस बना रखे हैं आपने। भगवान कहते हैं गरुण गवाम मध्य बसाम में हूं, मैं गायों के मध्य में बसता हूं। ले अब मद भक्ता यत्र गायन्ति, ये भी कैंसिल हो गया। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का तल
लाभ। एक महात्मा जा रहा था, रास्ते में गिर पड़ा, पैर टूट गया। किसी संसारी ने पूछा कि भगवान ने तुम्हारे साथ क्या अच्छा किया। वो महात्मा ने कहा, अरे पागल क्या कहता है, जब तक पैर थे मैं इधर उधर भटकता था, पर ये पैर मेरा टूटा तो परमात्मा मुझे संकेत कह रहा है, ये मेरा पैर भी मुझे समझा रहा है। मेरा टूटा हुआ पाए तलब ये मुझसे कहता है, मेरा जाने जही दे
यानी परमात्मा कृपा करे तब संभव है, पर परमात्मा कृपा कब करता है, जब संत कृपा करते हैं। अब मोहिभा भरोसा हनुमंता, बिनो हरि कृपा मिले नहीं संत। संत और भगवंत का अन्वय नश्रय संबंध है। संत का दर्शन परमात्मा के मिलन का कन्फर्म टिकट है। संत जिस पर कृपा कर दे, भगवान उस पर कृपा करके जना देते हैं, उसे अपना एड्रेस बता देते हैं। और वैष्णवा नाम यथासंभो महादेव कहते, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। महादेव कहते मुझे एड्रेस पता है कि वो कहां रहते हैं, वो प्रेम में रहते हैं। और वो प्रेम आदौ श्रद्धा ततः साधु संग अथ भजन क्रिया। प्रेम पैदा कैसे होगा? जिस प्रेम के लिए कहते प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जो चाहे शीश दे ले जाए। वो प्रेम प्रकट कैसे होगा? तो क्रम बताया है। इसलिए भजन हमेशा क्रम में करना चाहिए। आज दुर्भाग्य है हमारा कि हम भ्रम में पड़े रहते हैं। इस देवता को नहीं नमस्कार करेंगे तो ये नाराज हो जाएगा, उसको भी माथा टेक देते हैं।